आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो हेल्दी और टेस्टी दोनों हैं, और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। अगर आप बिगनर हो तो भी इसे आसानी से बना सकते हो। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप सूजी ली है और एक कप पोहा। तो सबसे पहले पोहे को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 बार पोहे को पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं 5 मिनट के लिए पोहे को सॉफ्ट होने के लिए रख दूंगी। 5 मिनट हो गए हैं, पोहा भी हमारा फूल गया है। बस हमें इस टाइप का फूला हुआ पोहा चाहिए। अब मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल और उसमें पोहे को डाल दिया है। और उसके साथ ही डालेंगे 1 कप सूजी और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके हाथों से थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद जिस कप से सूजी ली थी उसी कप से डाल रही हूँ 1 कप दही और उसी कप से डालूंगी 1 कप पानी और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे जिससे कि हमारी सूजी फूल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी सूजी भी फूल गई है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी बारीक चॉप्ड प्याज, 1 कप टमाटर, टमाटर को मैंने अंदर से उसका गूदा निकाल कर काटा है। फिर डाल देंगे 1 बारीक कटी छोटी शिमला मिर्च, 1 कप गाजर, गाजर को मैंने छील कर कद्दूकस कर लिया था, 2 बड़ी चम्मच मटर और चॉप्ड हरा धनिया। उसके बाद 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च और 1 नींबू का रस डाल देंगे। अब मैं इन्हें हल्का सा दबा दूंगी क्योंकि मेरा मिक्सिंग बाउल थोड़ा छोटा रह गया था। आप थोड़ा बड़ा बर्तन लेना कोई, जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 छोटा चम्मच प्याज का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच जीरा। आप चाहें तो जीरे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को भी स्किप कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। अगर आपका बैटर पतला हो जाए तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी या पोहा मिला सकते हैं। अब गैस पर एक पैन रख देंगे और उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें इस तरह से बैटर को डालकर हल्का सा फैलाकर सेट कर देंगे। साइज आप अपने अनुसार बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। यह आराम से पलट जाता है, इसे पलटने में कोई परेशानी नहीं होती। उसके बाद 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। फिर पलट कर दूसरी तरफ से सेक लेंगे। दोनों तरफ से जब गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद इन्हें निकाल लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार ट्राई जरूर करके देखें। ये अच्छी तरह से सीख चुके हैं। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुंह में जाकर एकदम घुल जाते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बनाने के बाद पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।